नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। एफडीआई पर भारत ने चीन अमेरिका को पछाड़ा। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2015 की पहली छह माही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिहाज से चीन व अमेरिका को पछाड़ दिया। आलोच्य अवधि में भारत को $31 अरब का विदेशी निवेश मिला। वित्त मंत्रालय ने फाइनेंस टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें कहा गया है कि निवेश में भारत ने बाजी मारी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015 की पहली छह माही में भारत को $31 अरब एफडीआई मिला। वहीं चीन को $28 अरब और अमेरिका को $27 अरब एफडीआई मिला। रिपोर्ट के अनुसार 2014 में पूंजी निवेश के लिहाज से भारत को चीन, अमेरिका, ब्रिटेन व मैक्सिको के बाद पांचवें स्थान पर रखा गया था। आचार संहिता की अनदेखी, 47 लोगों को दी नौकरी। पंचायत चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता की अनदेखी कर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने फैजाबाद अस्पताल में 47 ANM क्लर्कों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह मामला उस समय सामने आया जब नए भर्ती किए गए लोग अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट दाखिल करने के लिए फैजाबाद अस्पताल पहुंचे। वहां मौजूद चिकित्सा अधीक्षक अरविंद सिंह ने उन्हें ज्वाइन करने की अनुमति नहीं दी और इसे स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक SN तिवारी के संज्ञान में लाया। जिला मजिस्ट्रेट अनिल ढिंगरा ने बताया कि वह इस मामले की जांच कर रहे हैं और नियुक्तियों की सूचना सरकार को दे दी गई है। नेपाल में भारतीय चैनलों का प्रसारण बंद, सरकार नाराज। नेपाल सरकार ने देश में भारतीय चैनलों को ब्लैकआउट करने के केबल ऑपरेटरों के फैसले पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। सरकार ने केबल ऑपरेटरों से कहा कि वे भारतीय टेलीविजन चैनलों का प्रसारण जारी रखें। सूचना एवं संचार मंत्रालय ने कई केबल ऑपरेटरों से कहा कि वे इसे स्पष्ट करें कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय प्रसारण अधिनियम का उल्लंघन किया है। केबल ऑपरेटरों ने नए संविधान का विरोध करने वाले आंदोलनकारियों द्वारा भारत की सीमा के साथ लगती व्यापार सुरक्षा चौकी को बंद करने की पृष्ठभूमि में भारतीय चैनलों का प्रसारण रोक दिया।